नमस्कार दोस्तों, आपका फिर दोबारा स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल यूर नेक्स्ट राइड पे। मेरा नाम सुखदेव सिंह। दोस्तों आज मैं आपके लिए कार लेके आया हूं जो कि हुंडई की i20। पर दोस्तों आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो उससे मेरा हौसला बनेगा, मैं आपके लिए और एक से एक गाड़ी और एक से एक वीडियो लेते आ रहूँगा। आओ दोस्तों, आपको ज़्यादा समय ना बर्बाद करता हूँ, मैं आपको हुंडई i20 दिखाता हूँ अपनी। आओ दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये है हुंडई i20 2018 कार। ये सिंगल ओनर है और 52,000 किलोमीटर चली हुई है, पेट्रोल कार है ये। ये जो गाड़ी है दोस्तों हुंडई i20, ये काफ़ी डिमांड में रही है हुंडई की और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का। आओ दोस्तों मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखाता हूँ। दोस्तों ये गाड़ी है 2018 जनवरी की और ये गाड़ी का इंटीरियर है। इस गाड़ी के इंटीरियर में कंपनी तरफ से बेज कलर प्लस ब्लैक कलर का जो इंटीरियर है उसके साथ ही मैचिंग के सीट कवर ब्लैक कलर के लगे हुए हैं। कंपनी से स्टीयरिंग कंट्रोल है इसके अंदर और कंपनी से ही इसमें एयरबैग आ रखे हैं उस्ताद जी। एक आपका स्टीयरिंग पे एयरबैग है, एक आपका कनेक्टर साइड में एयरबैग है। कंपनीबिलिटी इसके अंदर स्टीरियो आता है और दोस्तों इसमें ऑटोमेटिकली अंदर से ही मिरर एडजस्टेबल है और ऑन ऑफ भी है। आओ दोस्तों मैं इसको दिखाता हूँ। आप दोस्तों इसमें एक बटन दे रखा है साइड मिरर के लिए जिसको आप ओपन और क्लोज सिर्फ अंदर बैठे बैठे कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों, काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों जो कि साइड मिरर को आप अंदर से बैठे बैठे बंद करो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जिन गाड़ियों के अंदर ये फीचर नहीं होता है हमें बार बार उठ के बाहर जाना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, या हमें यहाँ से यूं करके शीशा बंद करना तो काफ़ी तकलीफ होती है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर ये फीचर है, काफ़ी अच्छा फीचर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप गाड़ी लॉक करते हैं तब भी ये ऑटोमेटिकली शीशे बंद हो जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपने इसका इंटीरियर तो देखा गाड़ी का, आपने इस गाड़ी का इंटीरियर तो देखा ही है। वही गाड़ी जो i20 है, हुंडई की i20, मेरी बहुत पसंदीदा गाड़ी है। खुद मेरा पर्सनल यूज़ में पहले हुंडई i20 ही थी। आप देखेंगे दोस्तों पीछे से भी काफ़ी अच्छा स्पेस है इस गाड़ी के अंदर ना, आप देखेंगे बड़ी कॉम्पैक्ट सी कार है ये, एक फैमिली यूज़ कार है। अगर आप आराम से इसके अंदर नॉर्मली एक छोटा परिवार आराम से घूमने फिरने जा सकता है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है, एवरेज की बात करें तो एवरेज भी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है इसकी लुक्स, हुंडई i20 की एक ऐसी लुक्स है कार की जो कि एकदम से, मतलब कि अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं या कहीं किसी के पास भी देखते हैं तो ये गाड़ी झट से पसंद आ जाती है। और ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स मॉडल है, ये इसके चार मॉडल आते हैं दोस्तों। इसमें होता है एरा, मैगना, स्पोर्ट्स एंड देन आस्था। ये दोस्तों टॉप एंड से नीचे वाला मॉडल है, स्पोर्ट्स मॉडल है ये। इसके अंदर आपने चार तरफ से देख ली गाड़ी है, आपको मैं यहाँ लेफ्ट साइड पर गाड़ी दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों ये लेफ्ट साइड से गाड़ी है, ये सिंगल ओनर है, दिल्ली नंबर गाड़ी है ये। आप चाहें तो इसको फाइनेंस भी करा सकते हैं, सिर्फ 50,000 रुपये डाउन पेमेंट पे गाड़ी आपको फाइनेंस हो जाएगी, सिर्फ 50,000 डाउन पेमेंट है। अगर दोस्तों आप एक बिजनेसमैन है यानी कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो नॉर्मली आपके पेपर डॉक्यूमेंट जो लगते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक फ़ोटो। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी 6 मंथ की स्टेट बैंक स्टेटमेंट, 3 सैलरी स्लिप, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल। दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी व्यूअर्स के मेरे पास कॉल आते हैं, वो सब मुझसे डॉक्यूमेंट पूछते हैं तो कई बार वो डॉक्यूमेंट लिख नहीं पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, तो जिससे उन्हें दिक्कत होती है। ये सिर्फ वीडियो में बनाने का सिर्फ यही मेरा मकसद है कि आप इस वीडियो को देख के जान सकेंगे कि एक गाड़ी फाइनेंस करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आप दिल्ली के किसी भी कोने में रह रहे हैं, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, हम आपको यहाँ दिल्ली से गाड़ी फाइनेंस करके देंगे। और दोस्तों कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बना रहेगा, मैं आपके लिए और से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूँगा और एक से एक गाड़ी आपको दिखा सकूँगा। आने वाली वीडियो जल्दी रहेगी और वो रहेगी दोस्तों हुंडई वरना की 2015 न्यू शेप की। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि अगर कोई मेरा भाई कोई गाड़ी लेना चाह रहा है हुंडई वरना और उसने ये वीडियो देखा है तो हुंडई वरना बहुत जल्द आपके सामने अभी यूट्यूब चैनल पर थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। जब तक आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। और एक चीज़ और दोस्तों, मैंने एक वीडियो में ऐड करने सोची कि किसी भी भाई ने अगर यूज़ करना ना लेके न्यू कार लेने का इच्छुक है तो हम उसमें उसकी तब भी हेल्प कर देंगे।
अगर आप गाड़ी को लेके कंफ्यूज है कि मैं कौन सी गाड़ी लूँ न्यू कार के अंदर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा कि आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी। बाकी दोस्तों, आपका दोस्त सुखदेव सिंह, धन्यवाद, थैंक यू।